अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आइए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मैंने काफ़ी सारे काम सुबह के ख़त्म कर लिए हैं, सहरी हमारी हो गई है और अब बज रहे थे 9:30 और मेरे हस्बैंड भी साइट पर चले गए थे। और उसके बाद मैंने कपड़े भी वॉश कर लिए थे और मैंने नहा भी लिया है। जैसे कि मैंने कल बताया था कि काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठा हो गए थे धोने के लिए, तो ये सब तो मैंने फिर उसके बाद नहा भी लिया था। गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है और जितने जितने भी सारे हार्ड काम होते हैं, जिन कामों में वक्त लगता है, तो कोशिश ये रहती है मेरी कि मॉर्निंग में वो सारे काम ख़त्म कर लिए जाएं, क्योंकि शाम के टाइम कुकिंग के काम बहुत सारे हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने कपड़े सुबह ही धो लिए थे। शाम में इतना पानी की शिद्दत महसूस होती है कि शाम में कपड़े धोने का कोई वो नहीं, हिम्मत ही नहीं होती है उस टाइम। तो इसलिए मैंने ये काम कर लिया था फिनिश और मैं ये सुखाने लगी थी कपड़ों को। और बहुत सारे कपड़े थे जो कि यहाँ पर नहीं आए थे, तो वो मैंने टब में करके एक साइड पर रख दिए थे। जब ये सारे कपड़े सुखा के मैंने उतार लिए थे, तब उसके बाद मैंने वो कपड़े दोबारा से शाम में डाले थे। और अभी काफ़ी टाइम बचता है मेरे पास और काफ़ी सारा काम भी बचा हुआ था अभी। और जैसे कि आज संडे था तो मेरे ट्यूशन के बच्चों की भी छुट्टी थी और मुझे थोड़ा सा सामान लेने के लिए डी मार्ट भी जाना था, तो मेरे हस्बैंड आ गए थे दोपहर में। और जैसे कि यहाँ पर स्पेस कम पड़ गया था, स्पेस फुल हो गया था, तो ये सारे कपड़े मेरे बचे थे और ये बेडशीट मैंने इधर डाला था गेट पर। और ये मेरे प्लांट्स बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे थे। और फिर जोहर की नमाज़ के बाद हम आ गए थे डी मार्ट। नवरात्रे वगैरह भी शुरू हो गए थे और इधर रमज़ान शुरू हो गए, तो मैं वीडियो वहाँ की शूट नहीं कर पाई। बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ, बहुत ही ज़्यादा रश था, तो मैं ज़्यादा वहाँ से वीडियो शूट नहीं कर पाई। और ये पार्किंग एरिया का व्यू है, ये देखें यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है। और पार्किंग एरिया में भी इतनी भीड़ थी कि मुश्किल से ही पार्किंग मिली थी, बहुत ही ज़्यादा लास्ट में जाके, और काफ़ी टाइम लग गया था पार्किंग में भी। अब हमने ये सामान अपना रख लिया है और अब हम आने लगे हैं घर वापस। और ये मॉल का एंट्रेंस है, तो अब हम घर वापस आ गए हैं। और आने के बाद सबसे पहले हमने असर की नमाज़ पढ़ी थी, असर की अज़ान हो चुकी थी रास्ते में हमें, तो नमाज़ पढ़ने के बाद मैं फटाफट से लग गई हूँ खाना बनाने। तो मैंने बनाया था राजमा आलू की सब्ज़ी, जो कि मैंने बॉईल करके रखे हुए थे। और ये छोले मैं निकाल कर बाहर रख रही हूँ, क्योंकि मुझे रात में छोले भिगाने थे चाट बनाने के लिए और मैं भूल गई थी, तो मैं बाहर निकाल के रखूँगी तो मुझे याद रहेगा। तो मैं साथ साथ में राजमा भी बनाते जाऊँगी। और आज काफ़ी सारी तैयारियाँ करनी थी, काफ़ी सारी चीज़ें बनानी थी, जैसे पकौड़ी वगैरह हैं और चावल वगैरह हैं, रोटी हैं और पापड़ कचरी वगैरह भी फ्राई होती हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। काफ़ी टाइम मेरा अभी लगने वाला था और मेरे पास ज़्यादा टाइम था नहीं, 5 हमें बज गए थे मिनिमम। और 5:30 बजे मैं नमाज़ वगैरह से फारिग होने के बाद तब यह खाना बनाने लगी थी, तो इतना टाइम भी नहीं था। और ये मेरी सब्ज़ी हो गई है रेडी। और मैंने अपने लिए बनाया था लौकी का रायता, क्योंकि डॉक्टर ने लौकी बताया था और दही बताया था, तो मैंने कॉम्बिनेशन करके लौकी का रायता बना लिया। मैं बोर हो गई थी दही और लौकी अलग अलग वैसे खा के, डिश बना के, सब्ज़ी बना के उसकी, तो मैंने आज रायता बनाया था। और ये मैंने इसको लगा दिया है तड़का, और मैंने इसमें लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं ऐड की थी और हरी मिर्च डाली थी मैंने इसमें 2 रायते के अंदर, और हींग और जीरे का मैंने तड़का लगा दिया था थोड़े से ऑयल से, ज़्यादा मैंने ऑयल भी नहीं डाला है इसमें।
और सब्ज़ी बनाने के बाद में और रायता बनाने के बाद में मैंने निकाला है बेसन, और उसमें मैंने डाले हैं लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक और थोड़ा सा अजवाइन। वो मुझे बाउल छोटा लग रहा था तो मैंने बड़ा बाउल ले लिया है। और ये मैंने रायते में थोड़ा सा हरा धनिया भी स्प्रिंकल कर लिया है, और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने बेसन में भी ऐड किया है पकौड़ियों के लिए। और मैं इसमें थोड़ा थोड़ा मैं वाटर ऐड करती जाऊंगी और इसका पेस्ट बना लूंगी। ना तो ज़्यादा पतला पेस्ट होना चाहिए इसका, ना तो ज़्यादा गाढ़ा। और ये मैंने मीडियम सा पेस्ट बना के एक रेडी कर लिया है, और मैं अब कट करूँगी जिस भी चीज़ की मुझे पकौड़ी बनानी होंगी। थोड़ी सी मैंने प्याज कट की थी और थोड़े से मैंने आलू कट किए थे, क्योंकि मुझे नहीं खाना था, मेरे हस्बैंड और बेटे के लिए ही मुझे पकौड़ियाँ बनानी थी, तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाई हैं, बट फिर भी थोड़ी ज़्यादा ही हो गई थी, मुझे कम ही बनानी है। बट ये होता है ना कि शुरू में हम बनाते हैं तब फिर अंदाज़ा हो जाता है कि इतना बनाना होता है, ये ज़्यादा हो गया है तो इसलिए। और ये मैं पापड़ जो लेकर आई हूँ डी मार्ट से, पिछली बार भी लेकर आई थी और इस टाइम भी लेकर आई हूँ, तो ये मैंने पापड़ और कचरी सबसे पहले फ्राई कर लिए हैं, और उसके बाद मैं फ्राई करूँगी पकौड़े। और सबसे पहले बनाए हैं मैंने आलू के पकौड़े, तो मुझे इस तरह की शेप के स्लाइसिस कट करके और तब पकोड़े बनाना ज़्यादा पसंद है, वो पतले पतले लेयर्स के। मुझे सबकी अपनी चॉइस होती है, अपनी डिफरेंट शेप एंड साइज़ के सभी लोग पकोड़े वगैरह बनाते हैं, बट टेस्ट होना चाहिए हर किसी चीज़ में, ऐसा कुछ नहीं है शेप एंड साइज़ से। और ये मैंने पकोड़ियाँ फ्राई कर ली हैं, और ये आलू के पकोड़े हो गए हैं मेरे रेडी। एक बैच बन गया है और एक और बचता है, वो मैंने डाल लिया है। और मैं जो जितना भी डीमार्ट का सामान लेकर आई हूँ, ग्रोसरी शॉपिंग मैंने की है, वो मैं आपके साथ अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी उसके ऊपर, और मैं उसमें आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसलिए आज मैंने नहीं दिखाया था ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। और ये हो गया है हमारा इफ्तारी का आइटम रेडी। और ये मैंने बनाया था रोज़ सिरप एक करके लिया था मैंने, वो मैं आपको बताऊंगी जब मैं वीडियो डालूंगी डी मार्ट की, तो मैंने वो शरबत बनाया है उसका। और डी मार्ट में हमें टाइम ज़्यादा हो गया था इसलिए फ्रूट्स ख़रीदने का टाइम नहीं मिला, तो मैंने आज यही चीज़ें घर पर बना ली हैं काफ़ी सारी। तो अब कल लेकर आएंगे मेरे हस्बैंड जो फ्रूट्स वगैरह हैं, मैंने उन्हें दोबारा से नहीं भेजा था। और ये हम इफ्तार करने के बाद और उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद हमने खाना खाया था, और जिसमें मैंने राजमा, आलू, रायता और चावल और रोटियां बनाई थी। तो खाने से फारिग होकर और ईशा की नमाज़ से फारिग होकर मैंने जो कपड़े वॉश किए थे वो सारे सूख गए थे, तो उनको मैंने अलग अलग किया है। एक साइड पर मैंने आयरन वाले कपड़े रखे हैं और दूसरी साइड पर मैंने जो आयरन कपड़े नहीं होने थे तो उनको मैंने एक साइड किया है। और कपड़े जितने भी थे वो सूख गए थे, और कुछ कपड़े बाकी रहते थे जो मैंने अभी डाल के रखे हैं, वो अभी सूखे नहीं हैं, ड्राई नहीं हुए थे। तो ये सारे कपड़े मैंने एक साइड पर रखते जा रही हूँ, और अभी तो मैं फ़िलहाल आयरन करने वाली नहीं हूँ, एक से दो दिन आयरन नहीं करूँगी मैं अभी, क्योंकि रमज़ानों में बहुत सारे काम होते हैं। और अभी मैंने कपड़े फ़िलहाल वॉश करके सारे रख दिए हैं, और दो तीन दिन बाद जब भी मुझे टाइम लगेगा तब मैं आयरन करूँगी इन कपड़ों को, और लेकिन इकट्ठा नहीं करूँगी। और ये सारे कपड़े मैं सेट करके रखती जाऊंगी, और जितने भी आयरन वाले कपड़े हैं तो वो मैं सारे बास्केट में डाल दूंगी, और जितने भी कपड़े आयरन नहीं होने हैं उनको मैं अलमीरा में सेट करती जाऊंगी।
ताकि सारी चीज़ें मैं समेट लूँ जल्दी जल्दी। और रूम में इस तरह से कपड़े रखे हुए बहुत ही ज़्यादा अजीब लगते हैं, मैं बिल्कुल इस तरह से कपड़े रखना पसंद नहीं करती हूँ। और इस तरह से बिखरे हुए कपड़े रूम में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने नमाज से फारिग होकर सबसे पहले इनको ही फोल्ड करने लगी हूँ, और इन सारे कपड़ों को मैंने डिवाइड कर लिया है। और एक दिन बीच में छोड़कर भी कपड़े दो, तभी भी कपड़े इतने सारे हो जाते हैं। तो अब ये सारे मेरा ये वाला काम भी ऑलमोस्ट हो चुका है। तो वो जो कपड़े आयरन किए थे वो मैंने बास्केट में डाल दिए हैं, और जो कपड़े आयरन नहीं होने थे उनको मैं अलमीरा में हैंड टू हैंड सेट करती जा रही हूँ, ताकि रूम मैनेज रहे और बिखरे ना। और अगर आज की आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। Wait.